ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में जो जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही प्रदेश के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर प्रहार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। धर्मशाला में प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने में बुरी तरह से नाकाम रही है। प्रदेश में ज्यों ज्यों विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही प्रदेश के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा के नेता एक दूसरे पर प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। धर्मशाला में प्रदेश कांग्रेस सचिव केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सरवीन चौधरी पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को नजदीक देख सरवीन चौधरी को अब क्षेत्र के लोगों की याद आने लगी है और वह जगह जगह जाकर लोगों के साथ झूठे वायदे कर रही हैं। उन्होंने मंत्री पर वार करते हुए कहा कि अपने पौने 5 वर्ष के कार्यकाल में मंत्री होते हुए भी वह एक तहसील वेलफेयर कार्यालय खोलने में नाकाम रही हैं, जबकि वह इस महकमे की मंत्री हैं। पठानिया ने कहा कि अब जब 4 दिन आचार संहिता को लगने में रह गए हैं तो उन्होंने 2 दिन धर्मशाला के SDM को शाहपुर बैठने के आदेश दे दिए गए। उन्होंने कहा कि यह सब एक राजनीतिक ड्रामा है। आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मंत्री जो है वो जगह जगह पर चुनावी की साल है, ये वो जगह जगह पर झूठे वादे कर रही है। उसने हाल ही में पिछले 4.5 साल जब वो मंत्री रही कैबिनेट में, तब एक तहसील वेलफेयर ऑफिस जो है शाहपुर के अंदर नहीं खुलवा पाई। अब जब 4 दिन बचे हैं कोड ऑफ कंडक्ट को, धर्मशाला SDM को जो है 2 दिन के लिए बैठने के लिए शाहपुर कह दिया गया है। ये पूरा एक राजनीतिक ड्रामा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री महोदय 2.5 साल पहले वो मैं एक जनसभा में गए थे, उन्होंने रिड कुमार में कहा था कि हफ्ते के अंदर एक महीने में हफ्ते में यहाँ तहसीलदार बैठेगा। मेरा ना क्या पूरे 2.5 साल में 3 बार वहाँ तहसीलदार बैठा हूँ। आज जितने भी जो उद्घाटन कर रहे हैं उनकी जो बजटेड प्रोविजन नहीं है, उनके उन स्कीमों के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मंत्री और विधायक प्रदेश में शिलान्यासों की बिना बजट की ही छड़ी लगा रहे हैं। धर्मशाला से नृपजीत निप्पी, 7C हिमाचल आजकल। नाहन विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने के बाद नाहन पहुंचे प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया है। हिमालयन प्रवेश द्वार द्वारा कालाम पर बिंदल के स्वागत के लिए दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता फूल मालाएं लेकर एकत्रित हुए और जोरदार नारेबाजी के साथ बिंदल का स्वागत किया। बिंदल के कार्यक्रम से कुछ भाजपा नेताओं ने दूरियां जरूर बनाई। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राजीव बिंदल को भाजपा के ही कुछ लोगों से गुटबाजी से जूझना पड़ सकता है। गौर हो कि बीते दिन नाहन में एक सम्मेलन कर धरती पुत्र का नारा देकर भाजपा के ही कुछ लोग बिंदल के विरोध में उतरते नजर आए थे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि राजीव बिंदल उनसे नाराज चल रही पार्टी के कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। नाहन में इस मर्तबा विधानसभा चुनाव में मुकाबला चौतरफा है। यहां अभी तक कांग्रेस, भाजपा, हिलोमो व लोजपा से उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में यदि भाजपा के कुछ लोग राजीव बिंदल से नाराज चलते हैं तो भाजपा के लिए यह मुश्किलें खड़ी कर सकता है। प्रदेश महामंत्री राजीव बिंदल ने टिकट मिलने के लिए हाईकमान का आभार जताया और साथ ही बिंदल ने दावा किया कि नाहन सीट पर भाजपा भारी मतों से जीत हासिल कर इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार प्रदेश में मिशन रिपीट में कामयाब होकर एक बार फिर सत्ता में आएगी। आपको बता दें कि नाहन सीट में भाजपा आज तक कभी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। सिर्फ 2003 में लोजपा विधायक सदानंद चौहान ने नाहन सीट पर कब्जा जमाया था। ऐसे में दिलचस्प यह भी होगा कि सोलन से नाहन पहुंचे राजीव बिंदल क्या कांग्रेस की परंपरागत सीट को फतेह कर पाएंगे या नहीं। आज हम ये निश्चित मान करके चल रहे हैं कि प्रदेश हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आने वाली है। श्री प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। उस कड़ी के अंदर नान विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने, हम विश्वास से कह सकते हैं जो काम पिछले 30-40 सालों के अंदर नहीं हो पाया वो कार्य हम 5 साल के अंदर करके यहाँ की जनता को सुकून देने का, एक विश्वास देने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। नाहन से सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। खबरों के सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर गीत की एक झलक। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार
दिल फिदा जान सा। ऐ वतन जान 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 मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा। खूब मिले दीवाने दो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा। क्या जलवा क्या बरदा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव के तहत प्रदेश में रैलियों का दौर हुआ तेज। तृणमूल कांग्रेस ने ठियोग में विशाल रैली कर साधा भाजपा कांग्रेस पर निशाना। विधानसभा चुनाव के तहत सत्तारूढ़ भाजपा ने 45 उम्मीदवारों का किया ऐलान, मगर ज्वालामुखी सीट को लेकर कश्मकश अभी भी जारी। भाजपा में टिकट की घोषणा के साथ ही बगावती सुर लगे उठने। मुख्यमंत्री के गृह जिला में राजेंद्र राणा ने खोला मोर्चा। टिकट का ऐलान होने के बाद नाहन पहुंचे प्रदेश भाजपा महामंत्री का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सभी को साथ लेकर चलना बिंदल के लिए बन सकता है चुनौती। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं चुनावी सरगर्मियां, और इन चुनावी सरगर्मियों पर अपनी पहली नजर बनाए रखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हाजिर होंगे लेकर प्रदेश की ताजातरीन घटनाओं का एक और बुलेटिन रात 10 बजे। तब तक के लिए मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार, शुभरात्रि। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनकुलाब के, हिमाचल भुला ना पाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।